बागेश्वर में लगने वाले सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेले में पारंपरिक रूप से पूरे दिन राजनीतिक माहौल गर्म रहा, जहां पर तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने पंडाल लगाया। उत्तरायणी मेले में यूं तो लोग पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन कल बागेश्वर में लगने वाले प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले में तमाम पार्टी नेताओं का तांता लगा रहा। जहां बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी ने पंडाल में पहुंचे, तो कांग्रेस के उत्तराखंड के वन मंत्री दिनेश अग्रवाल भी राजनीतिक रोटियां सेकने में पीछे नहीं रहे। दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के गुणगान करने लगे थे। आपको बता दें कि राज्य में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कोई भी पार्टी लोगों को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। ये उत्तरायणी का पवित्र पर्व है। मेरा कहना यह है कि पिछले 4 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार चरम पर, आम जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है, मिटाने में बड़ा भारी योगदान रहा है। उन सबको और मकर संक्रांति की बधाई। यहाँ कोदी की बात हो रही है, कोरी की बात हो रही है, स्थानीय शिल्प की बात हो रही है, बागेश्वर जिसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर की एक ऐसी पावन धरती है जहाँ पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, और जो क्रांति का जो है मूल रहा है, इतिहास गवाह है। उसी प्रकार यहाँ जो आम आदमी पार्टी है, जो आज़ादी की जो दूसरी लड़ाई जो लड़ी जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, तो आज यहाँ पर हम ये संकल्प लेते हैं कि जब तक उत्तराखंड से भ्रष्टाचार का नाम और निशान नहीं मिटा देंगे, खनन माफियाओं को, दारू माफियाओं को मजबूर कर देंगे यहाँ से भागने के लिए। उत्तराखंड का अंदर का आज का जो एजेंडा आज हम लोग का